हेलो व्यूअर्स, आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग कैसे एक कॉस्ट्यूम थीम क्रिएट कर सकते हैं जिसमें आप अपने खुद के आइकन लगा सकते हैं। वैसे तो इसमें आप साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं, पर लेकिन आज मैं आप लोगों को सिर्फ आइकन शेयर करना बताऊंगा। और मेन बात यह है कि आप लोग इसे शेयर भी कर सकते हैं किसी को भी और वो आइकन उसमें शो करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, अपने डेस्कटॉप पे राइट क्लिक करना है और पर्सनलाइज पे जाना है, और पर्सनलाइज जाने के बाद थीम में क्लिक करना है। अगर ये पर्सनलाइज का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो नीचे स्टार्ट बार में जाके उस पर राइट क्लिक करेंगे और सेटिंग में जाएंगे तो ये ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को करना क्या है कि थीम में क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करने के बाद आपको डेस्कटॉप आइकन सेटअप पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक एक करके सबका आइकन चेंज कर देना है। जैसे पहले मैं कर रहा हूँ पीसी की, दिस पीसी की कर रहा हूँ, फिर उसके बाद करूँगा मैं रिसाइकल विन फुल और रिसाइकल विन एम्प्टी की। तो आप लोग भी अपने आइकन सेलेक्ट करके रखें पहले से, मैंने खुद सेलेक्ट कर रखा है इसमें। सेट करने के बाद दोस्तों आपको ओके पे क्लिक करना है और सारी विंडो क्लोज कर देनी है। उसके बाद क्या करना है दोस्तों कि आप लोग जैसे देखते होंगे सारी थीम पे क्या होती है कि स्लाइड्स वॉलपेपर ऑटोमेटिक चेंज होते रहता है, तो आपको भी यही करना है। आपको कुछ वॉलपेपर सेलेक्ट करके डेस्कटॉप पे वॉलपेपर लगाना है। ये देखिए दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने सारे को सेट कर दिया। उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, सबसे पहले आप लोग थीम पे क्लिक करना है। थीम पे क्लिक करने के बाद आप लोगों को क्लिक करना है थीम सेटअप पे। थीम सेटअप करने के बाद आपने जो थीम अभी लगा रखा है तो वो अनसेव्ड थीम नाम से सेव्ड होगा पहले से। आप लोगों को क्या करना है, उस पर राइट क्लिक करना है और आपको ऑप्शन दिखेगा सेव थीम फॉर शेयरिंग, आपको उस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको उसको कोई भी नाम दे के सेव कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे असैसिन क्रीड नाम दे रहा हूँ। असैसिन क्रीड नाम देने के बाद मैं इसे सेव कर लूँगा, मैं यहाँ डेस्कटॉप पे सेव कर ले रहा हूँ। ये देखिए मैं डबल क्लिक करके लगा रहा हूँ और ये देखिए ऑटोमेटिक थीम चेंज हो गया। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें।